हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत ही काम आने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं ये बाती बना रही हूँ और मैंने कॉटन ली है और मैंने एक कटोरी में थोड़ा दूध लिया है और मैंने थोड़ी कुमकुम ली है। तो बस इस तरीके से दूध लगा करके इस तरह से हमें एक साइड से रुई को इकट्ठा करना है और इस तरह से हमें इसको इस तरह से बनाना है और इसको अच्छी तरह से लंबी लंबी बनाना है। और इस तरह से बनाने के बाद में इस तरह से दोनों को मिलाकर घुमा देना है और इस पर हमें थोड़ी सी इसकी जो चोंच है इस पर हमें कुमकुम लगानी है। और इस पर कुमकुम लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती हैं और जब हम इन्हें जलाते हैं तो बहुत प्यारी सी लगती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी कुमकुम भी लगानी है और आप चाहें तो पीला कुमकुम भी लगा सकती हैं। तो इसी तरीके से मैं दूसरी बातें भी बना रही हूँ। मैं बार बार इस तरह से बता रही हूँ जिससे आप बनाना सीख जाएं। जो बिगनर्स हैं उन्हें आती नहीं है तो वो अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप इस तरह से बातें बनाइएगा, बहुत अच्छी बातें बनती हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी अच्छी बातें बनी हैं। इसको खड़ी बाती बोला जाता है और बस इस तरीके से हम खड़ी बाती बना लेते हैं। और अब हम लंबी बाती भी बनाएंगे, तो लेकिन पहले हम थोड़ी सी खड़ी बाती ही बना लेते हैं। तो इस तरह से जल्दी जल्दी सी बाती बनाते जाइएगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है बाती बनाने का। तो बस इस तरीके से बनाते जाइएगा तो बहुत अच्छी बाती बन जाती हैं। तो दूध से इनकी जो नोक है वो कड़ी हो जाती है और तो फिर जलने में आसानी होती है और ये बत्ती बहुत ही अच्छे तरीके से जलती हैं। अब हम लंबी बाती भी बना लेते हैं क्योंकि दीपावली पर लंबी बाती ही ज़्यादा बनानी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती ही जलाई जाती है। तो हम इसलिए ये जो अगरबत्ती की स्टिक होती है इस पर से ही इस तरह से अगरबत्ती हटा देते हैं और इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। तो बस ये स्टिक हमारी तैयार है। अब हम कॉटन की बाती बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमें कॉटन ले लेना है। तो हमें लंबी बाती बनानी है तो बस इस तरह से कॉटन को लेने के बाद में बस इस पर स्टिक लगाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी से बाती बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप मेरी वीडियो दुनिया के किस गाँव या शहर से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, जिससे मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। और आपको मैं अगली वीडियो में थैंक यू भी करना चाहूँगी। तो इस तरीके से स्टिक पर हमें कॉटन लगाना है और इसे हमें हाथ से भी इस तरह से रगड़ना है तो इसकी बाती बहुत जल्दी से बन जाती है। या आप चकले पर भी रखकर कॉटन और उसे स्टिक से कर सकती हैं तो ये जल्दी जल्दी से बाती बन जाती हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस बाती को हम एक इस तरह की खूबसूरत बाती बना लेते हैं। हमें चार बातियों की एक बाती बनानी है या आप इसमें पांच बाती भी ले सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर बाती लगती हैं। जब इस तरह से हम जलाएंगे हमें इसके लिए बड़ा दिया लेना होता है तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगी। और या फिर आप छोटा दिया भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये बाती दीप में हम प्रज्वलित करेंगे तो इससे हमारी दीपावली में चार चांद लग जाएंगे और इससे घर डेकोरेट हो जाएगा। तो ऐसी बाती भी आप बनाकर ज़रूर से रखिएगा और इसे बनाकर के ज़रूर से जलाकर देखिएगा तो आपको फिर बार बार बनाने का मन करेगा, यानी कि हर दीपावली पर। तो अब हम और बाती बना लेते हैं। तो अब हम पंचफूल बाती बनाएंगे। ये बाती भी इस तरह से बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसके दोनों साइड से हमें रुई को इस तरह से दूध लगाकर बनाना है और इसे हमें ऊपर को खड़ा नहीं करना है और इस तरीके से हमें लंबा करके छोड़ देना है। और ये बाती बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसे पूरा देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इस बाती को बनाया है। तो मैंने इसकी तीन बाती तो बना ली हैं और दो बातियाँ और मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पंचफूल बाती बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, तो मैंने इस तरीके से बातियों को लगाया है। तो ये बातियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जलाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम दीपावली बलि पर इन्हें जलाते हैं तो हमारी
पूजा अच्छे से स्वीकार होती है। और ये पूजा के स्थान पर पंच फूल बत्ती जलाइएगा। ये मैंने पांच पत्तियों को जोड़ा है और बीच में भी फूल में इस तरह से बत्ती आई है। और बस आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत दिया लगता है। तो मैंने इसमें कुमकुम भी लगाया है जिससे और भी खूबसूरत लग पाए। तो देख पा रहे हैं हमने छोटे दिए में ही इसको लगा दिया है। और जब ये जलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और दीपावली पर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से दिए में लगाया है, या आप डिज़ाइनर दिए बाज़ार से जो आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से आप दिया अपने दीपावली पर ज़रूर से जलाइएगा तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आपके दीपावली पर ये बात ही ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो अब हम बाती बनाने की नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो जो हमने छोटी छोटी बाती बनाई थी तो उसको हम जो हमारी दवाइयों के रैपर खाली हो जाते हैं तो उसमें जो खांचे होते हैं उन्हें अच्छे से उंगली से सही कीजिएगा, क्योंकि वो जब हम दवाई निकालते हैं तो पिचक जाते हैं। तो उन्हें फिर साफ़ कीजिएगा और इस तरीके से देसी घी मेल्ट करने के बाद में उसमें बत्ती भिगो करके इस तरह से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर बाती बनती हैं। और मेरे पास तो दवाई का इतना ही रह पड़ता है, यदि आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लें और उसमें इस तरह से बातियों को घी में बना करके रखें। तो ये इस समय मेल्ट किया हुआ है और इन्हें बना करके बहुत ही आप देखेंगे कितनी अच्छी अच्छी बत्ती निकलती हैं। बत्तियां आपस में चिपकती बिल्कुल भी नहीं हैं। जब हम डिब्बे में ही घी डालकर रखते हैं तो बत्तियां आपस में चिपकने लगती हैं, लेकिन ये इस तरह की बत्तियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब सर्दी का मौसम है और कार्तिक माह भी लग गया है तो उसमें भी हमें बत्तियाँ जलाने को चाहिए। तो इसी तरीके से आप बत्तियाँ बना बना करके रखिएगा। तो बस निकाल के आप कहीं भी इसका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं और इसमें आपको ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन बातियों को फ्रिज में रख रही हूँ और फ्रिज में रखने के बाद मेरी ये बाती टाइट हो गई हैं, यानी कि घी जम गया है और ये बाती बहुत ही अच्छे से निकलेंगी। और ये आप देखेंगे कि जो दवाई के रैपर में मैंने बत्तियाँ बनाई थी वो भी बहुत ही सुंदर निकलेंगी। तो आप देखिएगा कितना अच्छा साइज इनका बना है और बहुत ही प्यारी शेप में ये आ जाएंगी। तो बस जैसे हम दवाई निकालते हैं कुछ इसी तरीके से हमें इन्हें भी निकालना है। और आप देख पा रहे हैं कि जो इनका नीचे का जो शेप है बिल्कुल गोल बनकर आई है और बहुत ही प्यारी बाती लग रही हैं। तो इस तरह से आप बाती बनाइएगा। तो ये जो दवाई के खाली रैपर होते हैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकेगा और इस तरीके से आप अपनी बाती बनाने में इन्हें यूज कीजिएगा और ये बहुत ही सुंदर बाती बनकर तैयार होती है। और आप इन बातियों को कहीं भी जल्दी से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर लग रही हैं आप देख पा रहे हैं। तो बस ये बाती बनाने की बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और तरह तरह की बातियां आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से दिया लीजिए और बस बाती रखिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। आप चाहें तो घी डालें या ना, ऐसे भी ये प्रज्वलित हो जाएगी। तो जब कार्तिक में मंदिर जाते हैं तो कुछ जगह आप इस तरह से जल्दी जल्दी बाती निकाल करके जला सकते हैं और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो दिया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रज्वलित हो जाता है। और हमने ली है एक बाउल और इसमें हमने कुछ फूल तोड़ कर डाले हैं। तो इन बातियों को आप घर डेकोरेट करने में भी काम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दीपावली पर अपने घर को रंगोली से सजाते हैं तो रंगोली पर भी रखने के बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो सिरप आती हैं यानी कि दवाइयाँ, उन दवाइयों के ऊपर जो एक प्लास्टिक का ढापने का ढक्कन सा आता है उसे ही निकाल कर मैंने गोल गोल काट कर निकाला है और उसमें ही होल करके इस तरह से बाती को लगाया है। तो इस तरह से आप देखने के लिए मेरा पहला वीडियो ज़रूर से देखिएगा जिसमें दिया पानी से जलाया जा रहा है, तो उसे ज़रूर से देखिएगा, उसमें ये बनाने की ट्रिक आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। तो वो वीडियो मेरी इससे ठीक पहली वाली है और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर बाउल में दिया प्रज्वलित हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल सकती हैं, इससे दिया और ज़्यादा तेज चलेगा।
तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी रंगोली बनाई जाती है। आप देख पा रही हैं कि ये जो दिया प्रज्वलित हो रहा है ये वही बत्ती है जो मैंने दवाई के रैपर में बनाई है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आप अपने काम को आसान कर पाएँ और अच्छे तरीके से कर पाएँ तो कितना अच्छा होता है। जब आप इस तरीके से बाती बनाएंगे तो आपके त्यौहार में चार चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं और भी बाती बनाने की तरह तरह की वीडियो लाती रहूँगी, तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। और आपके लिए शुभ दीपावली। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।